तो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। देखिए ये आपको लिस्ट भी बता रहे हैं, लोक निर्माण विभाग अरुण साहब के जिम्मे आ गया है, अब वे एक महती जिम्मेदारी देखेंगे। हालांकि कुछ विभाग जो हैं उनके बारे में और जानकारी आनी बाकी है, मसलन खाद्य विभाग किसे सौंपा जाता है ये भी अब देखना होगा। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जो हैं शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, एक महती जिम्मेदारी, सीनियर काफी नेता हैं। गृह मंत्री होंगे विजय शर्मा गृह मंत्री होंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मंत्रियों के विभागों का जो बंटवारा हुआ है उसमें ओपी चौधरी को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई है। विभागों का बंटवारा आखिरकार अब हो गया है। अरुण साहब लोक निर्माण मंत्री, विजय शर्मा गृह मंत्री, वन मंत्री केदार कश्यप बनाए गए हैं, लक्ष्मी राजवाड़े को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। एससी एसटी विभाग जो है राम विचार नेताम को सौंप दिया गया है। आकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। आकाश आखिरकार विभागों का बंटवारा कर दिया गया, बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था, सवाल भी उठ रहे थे, अब विभाग बांट दिए गए, लेकिन कौन कौन से ऐसे विभाग है जिसकी लिस्ट अभी तक नहीं आ पाई है कि ये किसके जिम्मे जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए लंबे समय का जो इंतजार चल रहा था मंत्री शपथ के बाद कि विभाग का बंटवारा कब होगा, अंततः विभाग का बंटवारा हो चुका है। जो विष्णुदेव शाह ने सामान्य प्रशासन विभाग और खनिज जैसे विभाग रखे हैं, इसके अलावा अरुण साव को लोक निर्माण विभाग दिया गया है, विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री हैं, कवर्धा से विधायक है, उन्हें गृह जेल विभाग दिया गया है, बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण से विधायक हैं उन्हें दिया गया है स्कूल शिक्षा, इसी तरह राम विचार नेताम को आदिम जाति विभाग दिया गया है, केदार कश्यप वन और जलवायु परिवर्तन विभाग है, लखनलाल दिवांगन कोरबा से आते हैं विधायक हैं, वाणिज्य उद्योग विभाग इन्हें दिया गया है। इसके अलावा श्याम बिहारी हैं, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग दिया गया है, ओपी चौधरी को वित्त वाणिज्य कर विभाग आवास एवं पर्यावरण दिया गया है, लक्ष्मी राजवाड़े इकलौती महिला मंत्री है उन्हें महिला बाल विकास दिया गया है, टंकराम वर्मा बलौदाबाजार से विधायक हैं, खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आज इस पर मुहर लगाई, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी हो गया, सभी मंत्रियों को विभाग का बंटवारा हो विभाग बांट दिए गए हैं। जी बिल्कुल, एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि किसे कौन सा विभाग मिला है, क्योंकि केवल एक विभाग नहीं बल्कि विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कौन कौन से विभाग अपने पास रखे हैं ये जानकारी है कि सामान्य प्रशासन, खनिज संसाधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य कर आबकारी विभाग अपने पास रखा है, परिवहन और अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए सारे विभाग उन्होंने अपने पास रखे हैं। इसके अलावा अरुण साहब जो हैं लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य और नगरीय प्रशासन की भी जिम्मेदारी वे संभालने वाले हैं। इसके अलावा विजय शर्मा गृह और जेल, पंचायत और ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये सारे विभाग जो हैं ये विजय शर्मा के जिम्मे आए हैं। बृजमोहन अग्रवाल को भी काफ़ी महती जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। आकाश उनके पास कौन कौन से विभाग आए, केवल एक विभाग नहीं शिक्षा विभाग के अलावा भी और कई सारे विभाग उनके पास है? आकाश आप तक आवाज पहुंच पा रही है क्या? चलिए ठीक है, आकाश तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है स्कूल शिक्षा विभाग उनको सौंपा गया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा भी देखेंगे और साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री भी वो बनाए गए हैं, धार्मिक न्यास और धर्मस्व इसकी भी जिम्मेदारी उन्हीं के पास है, पर्यटन और संस्कृति की भी जिम्मेदारी बृजमोहन अग्रवाल के पास है, काफी सीनियर मंत्री हैं और उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। राम विचार नेताम जो हैं आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास और कृषि कल्याण, ये सारी जिम्मेदारियां उन्हें दी गई हैं। आकाश हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आकाश और क्या क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, विभागों का बंटवारा हो गया है आखिरकार, कि जो इंतजार किया जा रहा था कि विभाग जो हैं वो तो बंट गए हैं, अब टीम तेज गति से काम करेगी? तो आपको बता दें कि कुल 12 मुख्यमंत्री समेत कुल 12 मंत्री होते हैं और किसे कौन सी जिम्मेदारी मिली है एक बार फिर से पूरी लिस्ट आपको बता देते हैं।
दयाल दास बघेल जो हैं उन्हें खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। केदार कश्यप वन मंत्रालय संभालेंगे, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता, ये उनके पास जिम्मेदारी आई है। इसके अलावा लखन लाल देवांगन जो मंत्री हैं उन्हें वाणिज्य उद्योग एवं श्रम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्याम बिहारी जायसवाल लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा विभाग और 20 सूत्रीय कार्यान्वयन ये सारे विभाग उनके जिम्मे आए हैं। आकाश हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। आकाश, विभागों का आखिरकार बंटवारा कर दिया गया, अब टीम अपने तरीके से काम कर पाएगी, अब काम में तेजी आएगी, क्योंकि इसी बात का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कब विभागों का बंटवारा किया जाता है। जी बिल्कुल, शपथ ग्रहण समारोह के बाद लगातार विभागों को लेकर चर्चा चल रही थी, मंत्रालय में भी काम रुके हुए थे, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद से जो तमाम काम थे, सरकारी काम थे, वो मंत्रालय में ठप पड़े हुए थे। कई योजनाएं थी जो संचालित नहीं हो रहे थे, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं उनकी दवाओं की आपूर्ति या व्यवस्था में कहीं ना कहीं बाधा आ रही थी, अधिकारी भी लगातार यही मान रहे थे। लेकिन अब विभागों के बंटवारा होने के बाद से मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, इसके साथ ही अब प्रदेश में वो गति, जो कार्य की गति है, प्रशासनिक काम की गति और विकास कार्यों की गति अब दौड़ पड़ेगी, क्योंकि सभी मंत्रियों को विभाग मिल चुके हैं। अब यहाँ से अपने तरीके से जो मंत्री हैं वो काम करना शुरू करेंगे, जिन सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, और जो विभाग बच गए हैं वो विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री देखेंगे, क्योंकि जिन विभागों को मंत्रियों को बांट दिया गया उसके अतिरिक्त भी कुछ विभाग बचे हुए हैं, तो वो सीधे मुख्यमंत्री के पास चले जाएंगे। अब जो मोदी की गारंटी को पूरा करने की बारी है, क्योंकि दो बड़ी गारंटी है कि किसानों को बोनस देना, 18 लाख आवास देना, उसको पूरा कर दिया गया। आगे का जो गारंटी है इसके बाद से पूरा होगा। सभी मंत्री जो हैं अपने विभागों में काम करेंगे, इसके लिए विभाग बंटवारे से पहले जो है मंत्रियों की बैठक रखी गई थी, कल ही बैठक हुई है, उसमें चर्चा हुई है। इसके पहले भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है संगठन से मिलकर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जेपी नड्डा से मिले, गृह मंत्री अमित शाह से मिले, इसी पर चर्चा हुई थी कि मंत्रियों को विभाग बंटने के बाद किस तरीके से काम किया जाना है, किस तरीके से आगे योजनाओं को ले जाना है, रणनीति बनी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो जल्द ही है, उसके मद्देनजर भी तेजी से काम करना है मंत्रियों को, तो ये सब हिदायत भी दी गई है और एक तरीके से रणनीति बनाई है। केंद्र सरकार चाहती है कि जो भी मोदी की गारंटी हो तेजी से पूरा हो, काम हो, इसके लिए सभी मंत्री जुट जाए, ये भी निर्देश विभाग बंटने के साथ ही सभी को दिए गए हैं। जी, विभागों का बंटवारा हुआ है, खासतौर पर वित्त विभाग की बात की जाए, ओपी चौधरी को वित्त मंत्री बनाया गया है। ओपी चौधरी नो डाउट के वो काफ़ी अनुभवी हैं, लेकिन राजनीति में वो उनका नया नया पदार्पण हुआ है और पहली बार के विधायक हैं, पहली बार के मंत्री भी हैं, और ऐसे में उन्हें वित्त विभाग सौंपा गया। सबसे दिलचस्प ये है कि इसके पहले छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ये विभाग अपने पास ही रखा करते थे, चाहे वो भूपेश बघेल की बात हो या फिर डॉक्टर रमन सिंह की बात हो, लेकिन इस बार वित्त विभाग ओपी चौधरी को सौंपा गया है, ये अपने आप में बहुत खास बनाता है। जी बिल्कुल, संगठन ने जो फैसले लिए हैं वो सोच समझ कर लिए हैं, क्योंकि विभागों के बंटवारे से लेकर किन्हें क्या जिम्मेदारी दी जानी है उस पर लगातार मंथन चला है। कारण यही है कि विभाग बांटने में लेट हुए है। रही बात ओपी चौधरी की करें तो लंबा प्रशासनिक उनका अनुभव रहा है, लंबे समय तक कलेक्टर रहे हैं, कई विभागों की जिम्मेदारी संभाले हैं। जब वो कलेक्टर थे, प्रशासनिक सेवाओं में थे, तो एक बेहतर अधिकारी के तौर पर जाने जाते थे। इसके बाद कल रायपुर कलेक्टर रहते हुए ही उन्होंने पद छोड़ा था और भाजपा में प्रवेश किया था, तो एक लंबा अनुभव रहा है, प्रशासनिक अनुभव, वित्त का अनुभव उन्हें रहा है। कारण यही है कि उनके अनुभव को देखते हुए जो है केंद्रीय संगठन ने उन पर भरोसा जताया और वित्त की जिम्मेदारी दी है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है सभी चीज़ों को, योजनाओं को और जो वित्त से जुड़े मामले हैं उनको सही तरीके से देखना है। तो हालांकि ये मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, निर्देशन में काम करेंगे, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी अनुभव के आधार पर उन्हें दिया गया है। जी, बड़ी जिम्मेदारी मिली है और एक बड़ी जिम्मेदारी और मिली है, और वो नाम है विजय शर्मा का,
और उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें गृह मंत्रालय जैसी जिम्मेदारी उनके पास विजय शर्मा के पास आई है, गृह मंत्री बना दिया गया है डिप्टी सीएम को। और ये अपने आप में, पहले तो खबर ये चल रही थी कि अरुण साव को ये जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन विजय शर्मा भी पहली बार के मंत्री हैं और ये महती जिम्मेदारी उन्हें मिली है। जी बिल्कुल, कयास लगाए जा रहे थे कि अरुण साव को जो है गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन संगठन में चर्चाएं चल रही थी, मंथन चल रहा था कि आखिर गृह मंत्रालय जैसा विभाग किन्हें दिया जाए, और मंथन में यही निर्णय हुआ कि विजय शर्मा को जिम्मेदारी दी जाए। कवर्धा से विधायक हैं, जो कद्दावर मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, उनको बड़े पैमाने पर वोट से हराकर वो यहाँ जीत कर आए, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, पहली बार विधायक बने थे, तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी विजय शर्मा को दी गई है। अच्छी पकड़ है युवाओं में, अच्छे जानकार है, प्रशासन के भी जानकार है, अच्छे संगठन में भी उनकी पकड़ मानी जाती है, तो भरोसा जताया है। गृह मंत्रालय का बड़ा विभाग है, उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने पहले शपथ लिया था, और गृह मंत्रालय बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त हमारे छत्तीसगढ़ के एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं और उनसे बात करते हैं। अभिषेक जी, ये मंत्रालय जो है वो बांट दिए गए हैं, बंटवारा कर दिया गया है, और ये लिस्ट जो है ये थोड़ी चौंकाने वाली भी है। विजय शर्मा को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी, इसके पहले वित्त विभाग जो है मुख्यमंत्री अपने पास रखा करते थे, और अब ओपी चौधरी को जिम्मेदारी दे दी गई है। संकट मोचक बन गए हैं एक बार फिर से बृजमोहन अग्रवाल। जो मान्य परंपराएं भाजपा की या सरकारों की रही हैं उसको बिल्कुल उलट है, उन तमाम परंपराओं को तोड़ते हुए है। वित्त मंत्रालय शुरुआत में जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनी थी तो कुछ समय अमर अग्रवाल रहे थे, उसके बाद से मुख्यमंत्री अपने पास रखते रहे हैं, और भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने तो वित्त मंत्रालय उन्होंने भी अपने पास ही रखा था और इच्छा जताई भी थी। उस समय भी दूसरे मंत्री चाह रहे थे वित्त मंत्रालय, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा था। इस बार भाजपा ने ओपी चौधरी को वित्त मंत्रालय दे दिया है, तो ये मान्य परंपराएं जो है, पहली बार के विधायक है और वित्त मंत्रालय जैसा भार उनके पास है, और जैसे ही कहा आपने विजय शर्मा गृह एवं जेल मंत्रालय उनको भारी भरकम मंत्रालय मिला है, पहली बार के विधायक है, डिप्टी सीएम है, तो भाजपा ने एक नया चेहरा उभारने की कोशिश की है, ना सिर्फ नए चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया बल्कि उसको ताकत भी देने की कोशिश की है, और एक नई पार्टी, एक नई जनरेशन को साफ पता चल रहा है। इस तमाम मंत्रालय को बंटवारे को देखा जाए, भाजपा उन तमाम नए चेहरों को ना सिर्फ उसने मंत्री पद दिया बल्कि उनको मजबूती देकर आगे बढ़ाना चाह रही है, एक नई जनरेशन को भाजपा एस्टेब्लिश करना चाह रही है। आप देखेंगे तमाम लोग पुराने मंत्री हैं, उनको परंपरागत टाइप के मंत्रालय दिए गए हैं, रामविचार नेताम को आदिम जाति विकास दे दिया गया जबकि वो पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं, बृजमोहन अग्रवाल भी गृह मंत्री रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं, उनको स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा जैसे हालांकि अच्छे मंत्रालय उनको मिले हैं, धर्मस्व पर्यटन उनके पास पहले भी रह चुका है वो उनको दिया गया है, और तो ये जो तमाम विभागों का बंटवारा है वो सीधा सीधा मैसेज है कि भाजपा सिर्फ नए चेहरों को मंत्री बनाकर खानापूर्ति नहीं कर रही है बल्कि नए चेहरों को ताकत देकर इन नए चेहरों को पावरफुल बना रही है और एस्टेब्लिश कर रही है कि आने वाले समय में भाजपा इन्हीं नए जनरेशन के, इन्हीं नए चेहरों के मंत्रियों के साथ आगे बढ़ने जा रही है। तो ये वाकई तमाम परंपराओं को तोड़ता हुआ मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा है। बिल्कुल अभिषेक, एक बात और, चूंकि जिस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ, एक संदेश के तौर पर ये विभागों का बंटवारा काफी कुछ कह रहा है, जैसा कि बृजमोहन अग्रवाल एक संकट मोचक के तौर पर उभरे हैं, और एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश, चूंकि कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि विभाग किसके जिम्मे है, क्या उसकी अभी यहां पर आप देखते हैं प्राथमिकता, और किस तरह से ये बंटवारा देखते हैं अभी?